हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम सीबीएसई और यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए सामाजिक विषय के अंतर्गत आने वाली विषय भूगोल का पहला अध्याय लेकर आए हैं, जो कि आपके 2021 में होने वाली मुख्य परीक्षाओं के लिए एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और उन मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें जो आपके साथ पढ़ रहे हैं और 2021 की मुख्य परीक्षा में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका संसाधन क्या होता है, यानी संसाधन का अर्थ। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे संसाधन का अर्थ। देखते हैं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, जो प्रकृति निर्मित हो या मानव निर्मित, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी या तकनीक उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। तो संसाधन को सबसे पहले हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो भी हमारे पर्यावरण में, हमारे आसपास जो वस्तु हमारे पास हमारी आवश्यकताओं को प्रयोग करने के लिए उपयुक्त हैं या प्रयुक्त की जा सकती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी या तकनीक उपलब्ध है, वे सभी आपके संसाधन कहलाते हैं। इसी में आगे है आपका संसाधनों का वर्गीकरण। तो इसमें आपका संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है वह आपका चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। इनको पहला किया गया है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर आपके जो संसाधन होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें जैव संसाधन। जैव संसाधन जो होते हैं ये आपके प्राकृतिक संसाधन होते हैं, यानी इन संसाधनों की जो प्राप्ति होती है जीव मंडल से होती है, जैसे कि आपके जो मनुष्य है, वनस्पति है, प्राणी है, पशुधन आदि, ये सभी आपके जैव संसाधन के रूप में आते हैं। दूसरा है अजैव संसाधन, यानी ये वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, ये आपके अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपकी जो चट्टाने हैं और धातुएं इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है आपका समाप्यता के आधार पर। इसमें इसको भी आपके दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है नवीनीकरण योग्य और दूसरा है आपका अनवीकरण योग्य। तो नवीकरण योग्य इसमें आपके ऐसे संसाधन आते हैं जो पुनः उत्पन्न हो सकते हैं या उन्हें नवीनीकृत किया जा सकता है, यानी इसके अंतर्गत आपके वे संसाधन आते हैं जो या जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है या फिर उन्हें हम उनको नवीनीकृत कर सकते हैं। इसके अंदर जो हम उदाहरण समझेंगे, आपका जो सौर ऊर्जा हुई, पवन ऊर्जा हुई, जल, वन, वन्य जीवन, इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं वह आपके नवीकरण योग्य संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। वहीं जो आपके अनवीकरण संसाधन होते हैं वे ऐसे संसाधन होते हैं जो कि हमारे आसपास सीमित मात्रा में है और इनकी नवीनीकरण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से आपके कुछ संसाधन एक बार प्रयोग करने के बाद बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, जिसमें से आपका जो कोयला हुआ और पेट्रोलियम हुआ, इस प्रकार के संसाधन जो होते हैं वह आपका एक बार प्रयोग करने के बाद ही समाप्त हो जाते हैं। दूसरा है, इसके बाद तीसरा आपका आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी आपके जो संसाधन है उनको आपका चार भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, तीसरा आपका राष्ट्रीय संसाधन और फोर्थ होगा इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में आपके वे सभी संसाधन आते हैं जो जिनका जो स्वामित्व होता है वो व्यक्तियों के पास होता है, जैसे कि आपके जो किसानों के पास भूमि होती है, घर होते हैं, भूखंड यानी प्लॉट जो होते हैं, वे सभी आपके भूमि आपके व्यक्तिगत संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। वे संसाधन जिन तक समुदाय के सभी सदस्यों की पहुंच होती है, शमशान भूमि आपका हुआ, सार्वजनिक पार्क हुए, पिकनिक स्थल हुए, खेल के मैदान हुए, ये सभी ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर आपके प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच होती है, वे आपके पब्लिक यानी सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं। वहीं तीसरा है आपका राष्ट्रीय संसाधन, यानी ये वे संसाधन होते हैं जो
आपके जो सभी देश में पाए जाने वाले सभी ऐसी चीजें जो देश के अंतर्गत हैं वे आपके राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, यानी देश में पाए जाने वाली सभी वस्तुएं राष्ट्रीय संसाधन हैं। सरकार का यहाँ पर कानूनी अधिकार होता है। व्यक्तिगत संसाधन में राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, यानी आपके जो भी व्यक्तिगत संसाधन होते हैं वे भी आपके राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपका खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव आदि। तो इसमें आपका जो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं वे भी आपके इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी आपके जो हम कह सकते हैं कि जो आपकी सड़कें, नहरें, रेल लाइनें होती हैं वे जो बनी हुई होती हैं आपके खेतों में से बनी हुई होती हैं, और जो खेत होते हैं वे व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। तो आपके जो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं हम उनको बड़े रूप में देखेंगे तो वो भी आपके राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। इसमें आपका फोर्थ आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, यानी ऐसे संसाधन यानी तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। यानी मान लीजिए यह भारत है और भारत से 200 मील यानी यहां से यहां तक आपका 200 मील जो समुद्री मील होता है इतना ही क्षेत्र भारत का हिस्सा है, यानी इसके अंतर्गत आने वाले सभी संसाधनों पर भारत का अधिकार है। लेकिन इसके जैसे ही यहां से बाहर जाएगा तो इन संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण हो जाता है, और इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए देशों को आपको अंतर्राष्ट्रीय जिन संस्थाओं के नियंत्रण में ये चीजें होती हैं उनसे अनुमति लेने के बाद ही उपयोग किया जा सकता है। तो ये होते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसमें जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया इसमें फोर्थ आता है आपका विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, जिसमें आपके जो ये होते हैं ये भी आपके चार प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला होता है संभावी संसाधन, दूसरा होता है आपका विकसित संसाधन, तीसरा होते हैं इनमें आपके भंडार, और फोर्थ होता है संचित कोष। सबसे पहले हम बात करेंगे संभावी संसाधन कौन से होते हैं। ये वे संसाधन आपके लिए होते हैं, ये किसी भी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, यानी आपके किसी भी प्रदेश देश में उपस्थित ऐसे संसाधन जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर इसको हम समझना चाहें तो गुजरात और आपके राजस्थान में जो कच्छ यानी जो थार रेगिस्तान के जो क्षेत्र हैं इनमें आपके पवन और सौर ऊर्जा के संसाधन जो हैं इनकी विकसित होने की अपार संभावना है, लेकिन अभी इनका जो प्रयोग है या इनका जो विकास हुआ है अभी ढंग से हो नहीं पाया है। दूसरा है आपका विकसित संसाधन। अभी विकसित संसाधन कौन से होते हैं, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका हो परंतु उनके उपयोग की गुणवत्ता और और उनकी जो मात्रा है वह निर्धारित की जा चुकी हो। यानी आपका मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में हमें पता चल गया हो कि यहाँ पर सर्वेक्षण के आधार पर यह पता चल गया हो कि यहाँ पर कोयला पाया जाना है, और कोयला के अंतर्गत कितने टन कोयला यहाँ से निकलेगा और उसकी जो गुणवत्ता है कितनी अच्छी है, बुरी है, या किस प्रकार की क्वालिटी का वह कोयला है। मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, उसमें आपका पेट्रोलियम भी हो सकता है। तो हम ये वे संसाधन होते हैं, विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका आपका सर्वेक्षण किया जा चुका होता है, और जहां पर सर्वेक्षण किया गया होता है वहां हमें पता होती है कि उनकी मात्रा कितनी है और वह किस क्वालिटी के संसाधन है। थर्ड आता है आपका भंडार। वातावरण में उपलब्ध परंतु उपयुक्त तकनीक के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर हैं, यानी ये ऐसे संसाधन होते हैं जो हमारे पर्यावरण में हमारे आसपास उपलब्ध होते हैं और ये मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकते हैं, लेकिन अभी उपयुक्त तकनीक हमारे पास उपलब्ध नहीं है जिनके द्वारा हम उनका उपयोग कर सकें। इसमें आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, लेकिन अभी इसका जो प्रयोग है यानी हम इसको अपने तरीके से इसको हम यूज नहीं कर पाए हैं, या हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक अवेलेबल नहीं है जिसको हम हाइड्रोजन को ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकें। तो नेक्स्ट है आपका संचित कोष। इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है, यानी ये वे संसाधन है कि मान लीजिए यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर कोई संसाधन है लेकिन न तो हमने इनके बारे में भी कोई जांच पड़ताल की है कि बात है या नहीं, लेकिन एक आपने अनुमान लगा लिया कि यहाँ पर ये संसाधन है और भविष्य में अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से इन संसाधनों का प्रयोग अपने उपयोग के लिए किया जाएगा। तो ये थे आपके संसाधनों का वर्गीकरण।
इसमें आपने चार संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो मुख्यतः चार प्रकार का है। पहला मैं आपको ध्यान दिला दूं, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है आपका समाप्यता के आधार पर। तीसरा है आपका जो स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होते हैं, और लास्ट था आपका विकास के स्तर के आधार पर। तो आपने ये संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, यानी जब हम लगातार संसाधनों का दोहन कर रहे हैं तो उसके कारण हमारे समाज में या हमारे पर्यावरण में किन चीजों की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। सबसे पहली बात है आपकी कि कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्यास, यानी सिर्फ कुछ जो संसाधन होते हैं उन पर सिर्फ कुछ ही जो धनवान लोग होते हैं या आप उनके कायम उद्योगपति होते हैं उन्हीं लोगों की पहुंच होती है। वे ही अपने लालच में, अधिक धन कमाने के लालच में या अधिक से अधिक अपने व्यापार प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए वे उन संसाधनों का लालचवश प्रयोग करते हैं, और वे उनका इतना ज्यादा दोहन करते हैं कि वह आपके समाप्तता के आधार पर पहुंच जाते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट था कि कुछ व्यक्तियों की लालच व संसाधनों का ह्रास या हानि। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधन विहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। यानी हम इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जो संसाधन है वे गरीब और अमीर दो हिस्सों में बट गए हैं, और जो मुख्यतः जो संसाधन होते हैं वे आपके हमेशा गरीब लोगों के पास न होकर अमीर लोगों के पास ही होते हैं। यानी ये भी बात है कि जो हमारे समाज में जो संसाधनों का बंटवारा है वह भी गरीब और अमीर के आधार पर हो गया है। तीसरा है आपका संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय ताप, ओजोन पर अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। यानी अब जब हम इन संसाधनों का जो दोहन करेंगे वह एक लिमिट से ज्यादा करेंगे तो जो हम जिस पर्यावरण में रहते हैं उस पर्यावरण में संकट पैदा हो जाएगा। उसमें भी आपके जैसे ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन होगा, और हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो आपके इससे और इसका जो प्रभाव है वह आपकी ओजोन परत पर भी पड़ेगा, और इससे हमारे पर्यावरण में प्रदूषण होगा, और इसके साथ साथ एक इसका भूमि निम्नीकरण भी एक हानि के रूप में होती है। तो यह थी आपके जो संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करने से उत्पन्न हुई समस्याएं। इसके बाद अगला टॉपिक जो आता है वह आता है आपका सतत पोषणीय विकास। अब इसको हम सबसे पहले जानेंगे कि जो सतत पोषणीय विकास होता है यह होता क्या है। वैसे सतत पोषणीय विकास को इंग्लिश में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यह जो सतत पोषणीय विकास होता है इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। यानी इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि ऐसा विकास जो हम आज करें वह हमारे आज के पर्यावरण को भी कोई नुकसान न पहुंचाए, और उस विकास के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रख सकें। तो यह इस प्रकार का विकास जो होगा वह आपका सतत पोषणीय विकास होगा, जिसमें हम आज चीजों को ध्यान में रखकर और भविष्य के लिए भी यूज करेंगे। अब देखिए ये रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 क्या है, यानी यह आपका एक सम्मेलन हुआ था जो ब्राजील देश है उसके शहर रियो डी जेनेरो में पहली बार आयोजित किया गया था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो पर्यावरण है पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए, और सामाजिक जो और पर्यावरण आपके देशों में जो सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है और उसमें आने वाली समस्याओं का हल किस प्रकार से ढूंढा जाए। तो इसमें आपके दोनों पॉइंट बता दिए मैंने, पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए और सामाजिक आर्थिक विकास में आने वाली समस्याओं का जो समस्याएं आ रही हैं उनका हल कैसे ढूंढा जाए। इसी में एक और बात आती है कि आपका एजेंडा 21 क्या चीज है। तो इसी में आपके सम्मेलन जो हुआ था इसमें एजेंडा 21 को स्वीकृति मिली थी। यह जो आपका एजेंडा 21 है इसके अंतर्गत जो पर्यावरण को क्षति हो रही है उसको रोकने के लिए और गरीबी से कैसे निपटा जाए, और तीसरा पॉइंट था कि जो हमारे आसपास वातावरण में जो रोग फैल रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए। तो यह था आपका एजेंडा 21। तो सतत पोषण विकास
उसके बाद रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में याद रखना है हमें, और इसके अंतर्गत आता है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एजेंडा 21, इसे भी हमें याद रखना है। इसके बाद आते हैं हम भूमि निम्नीकरण पर, यानी भूमि निम्नीकरण क्या होता है। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। मनुष्य मूल आवश्यकताओं का लगभग 95% भाग भूमि से प्राप्त करता है। मानव कार्यकलापों के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। इस समय भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। भूमि निम्नीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि खेती अयोग्य बनती है। अब आपका भूमि निम्नीकरण होता क्या है? जो एक मानव है यानी मनुष्य है या हम लोग हैं, वह अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जितनी भी हैं, हम उनका लगभग 95% उनको हम आपके भूमि से ही प्राप्त करते हैं। और जब इतनी अधिकता में है चीज़ें हमारी भूमि से प्राप्त हो रही हैं, तो जो इसका सबसे ज़्यादा वजन है या भार है वो आपका भूमि पर ही है। तो हम जो मानव है सबसे ज़्यादा जो कार्यकलाप या क्रियाकलाप जो एक्टिविटी कर रहा है वो भूमि पर कर रहा है, और इसका प्रभाव जो है वह आपका भूमि पर पड़ रहा है, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है। यानी आपके लगातार खेती करने से या लगातार भूमि का उपयोग करने से जो खेती है वो खेत जो कृषि योग्य भूमि है वह आपकी कृषि अयोग्य भूमि बनती जा रही है। तो यह हुआ आपका भूमि निम्नीकरण क्या है। इसके बाद आती है कि भूमि निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, यानी किन कारणों से आपका भूमि निम्नीकरण हो रहा है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है आपका वह है खनन, यानी खनन। इसमें आपका है यह भूमि निम्नीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यानी आपका खनन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है भूमि निम्नीकरण में। और खनन के बाद खदानों वाले स्थानों की गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। जो खदानें होती हैं वहां आसपास जब खुदाई होती है तो उन खदानों को दोबारा से ढकाने जाता है और वो गहरी खाइयों का रूप धारण कर लेती हैं और वो खुले ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद है आपका खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा भूमि निम्नीकरण में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। यानी जो आपका मोस्टली जो खनन होता है वो आपका इन्हीं राज्यों में होता है। जो हमारे यहाँ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में अधिकतर पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य हैं उनमें आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा भी हैं। एक और चीज आती है कि जहां पर खनन प्रक्रिया चल रही होती है, यानी जैसे कि कहीं सीमेंट का उद्योग है, यानी चूता आपका हम इसमें कहें कि चूना पत्थर की पिसाई हो रही है, तो इसमें आपके जो और दूसरी एक और चीज होती है कि मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते हैं, तो इसमें आपका जो चूने और सेलघड़ी का प्रयोग होता है, तो इसकी जो अधिक मात्रा में जब ये चीजों का पिसाई हो रही होती है तो जो धूल होती है वह उड़कर आपकी कहें कि जो आसपास की जो भूमि यानी जो क्षेत्र होता है उस पर जाकर जम जाती है। और ये महीन कण ऐसे होते हैं जो जिस जगह पर जमते हैं उस जगह पर पानी सोखने का यानी वह जमीन जो होती है वह पानी सोखने में उसमें कमी हो जाती है, वह पानी सोखना बंद कर देती है। तो यह भी आपका एक भूमि निम्नीकरण का एक मुख्य कारण है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है भूमि निम्नीकरण के जो मुख्य तत्व हैं उसमें अति पशुचारण पहला इसमें अंतर्गत है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। यहाँ पर क्या है कि आपके जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश हुआ कि इनमें जो होता है कि आपके खुले पशुओं जैसे पशुओं को खुले स्थानों पर अधिक चराया जाता है या वो पशुचारण करते हैं, तो जिसकी वजह से आपका भूमि निम्नीकरण का यह भी एक मुख्य कारक बन जाता है। उसके बाद आता है जल आक्रांतता, यानी यह क्या होगी अब कि जब हम जल का अधिक भूमि पर प्रयोग करेंगे तो उससे संबंधित है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अधिक सिंचन से मृदा में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है। अब जैसे कि आपके कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें लगातार पानी की आवश्यकता होती है, जैसे धान की फसल हुई, आपकी ई की फसल हुई, जो गन्ने की फसल होती है, तो इन फसलों में लगातार पानी की आवश्यकता होती है। और यह आपकी जो इतने पानी की मात्रा जब इनमें दी जाती है तो यह होता है अतिसिंचन, यानी एक सीमा से भी अधिक सिंचाई। तो इसके कारण जो जल में आपकी जो लवणता और क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है और यह आपका कहलाता है जल आक्रांतता। और यह जल आक्रांतता जो होती है यह भी भूमि निम्नीकरण में एक महत्वपूर्ण
तत्व है जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है आपका औद्योगिकीकरण। अब औद्योगिकरण किस प्रकार से भूमि निम्नीकरण में योगदान दे रहा है, यह देखिए। देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि निम्नीकरण और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। यानी आप जब जो फैक्ट्रियां होती हैं उनसे निकलने वाला जो बेकार अपशिष्ट जो जल होता है वह आसपास के इलाकों में जाता है, और वहां जाने के बाद वो क्या है कि जो आपकी उपजाऊ भूमि है वो, जबकि वो जो केमिकल वाटर है वह आपका निकलकर जो आसपास की भूमि पर पहुंचता है, तो वहां जो भूमि होती है उनको वह आपका उपजाऊ न करके उन्हें हम कह सकते हैं कि एक तरह से उन्हें बर्बाद कर देता है। तो यह भी आपका जो औद्योगिकरण से निकलने वाला जो अपशिष्ट पानी होता है या जल होता है वह भी आपका भूमि निम्नीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो यह थे आपके जो आपके भूमि निम्नीकरण में उत्तरदायी तत्व। इसके बाद बात करते हैं कि जो आपकी भूमि निम्नीकरण है हम इसको किस प्रकार से सुलझा सकते हैं या इसको सुलझाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, यानी समस्या को हम किस प्रकार से सुलझा सकते हैं, उसके लिए क्या उपाय होंगे। तो सबसे पहला आपका वनारोपण, यानी अधिक से अधिक हमें वनों को लगाना चाहिए। दूसरा है चरागाहों का उचित प्रबंधन, जो जहां पर पशु चराई होती है या पशुओं का खाना पीना ज्यादा किया जाता है, जिस पर चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उनका एक अच्छी तरह से प्रबंधन किया जाना चाहिए। पेड़ों की रक्षक मेखला, यानी पेड़ों की एक रक्षक मेखला बनाई जाए जिससे कि वह एक अच्छी तरीके से वह रह सकें। उसके बाद है पशुचारण नियंत्रण, यानी जो पशुचारण नियंत्रण का तात्पर्य इस प्रकार से है कि जो भी पशुचारण एक लिमिट से ज्यादा होता है, यानी एक साथ बहुत सारे पशु छोड़ दिए जाते हैं, तो उनको या उस पर भूमि पर एक पशुचारण नियंत्रण भी होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका बंजर भूमि का उचित प्रबंधन और औद्योगिक जल का प्रसंस्करण के पश्चात विसंजन, यानी जो आपकी बंजर भूमि है उसका भी सदुपयोग किया जाए, और अपशिष्ट जल जो आपका फैक्ट्रियों से निकलता है पहले उसका प्रसंस्करण यानी उसको शोधित कर लिया जाए, उसके बाद ही उसको फैक्ट्रियों से विसर्जित किया जाए। तो यह थे कुछ उपाय जिसके द्वारा आपकी भूमि निम्नीकरण को कम किया जा सकता है, यानी इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे आपका एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है मृदा संसाधन। अब इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि आपकी मृदा संसाधन होता क्या है। देखिए मृदा धरातल के 15 सेंटीमीटर गहरी या मोटी उस परत को कहते हैं जिससे पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी के निर्माण में वनस्पति एवं शैलों के टूटे हुए कणों का विशेष महत्व होता है। प्रकृति के अनेक तत्व, तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी, अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनाने में प्रक्रिया में योगदान देती हैं। तो जो आपकी 15 जो आपका सबसे पहले हम समझेंगे मृदा के जो लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर जो गहरी मोटी परत जो होती है वह आपकी, जिसमें आपके जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और आपकी जो कुछ सेंटीमीटर मृदा यानी 1 से 1.5 सेंटीमीटर मृदा बनने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसके बाद मिट्टी का निर्माण जो होता है वह आपका वनस्पतियों जो सेल टूट जाती हैं उनके विशेष उनके कारण से होता है, और इसमें आपके अन्य तत्व भी होते हैं जो आपके मृदा बनाने में सहायक होते हैं, जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन आदि, ये सभी आपकी क्रियाएं जो मृदा बनाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसके बाद बात करेंगे कि भारत में जो मृदा है उसका वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में शैलों के स्वभाव एवं विभिन्न प्रकार की स्थानीय जलवायु के कारण अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी को सामान्यतः 6 वर्गों में रखा गया है जो निम्न हैं। अब उनको पढ़ने से पहले यानी जो भारत का भारत की जो जलवायु है उसके आधार पर जो मिट्टियां हैं उनको 6 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले इसमें जो आपकी आती है वह आती है जलोढ़ मृदा, यानी इसके बारे में हम जानेंगे कि यह जो मिट्टी होती है यह आपकी नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है।
इस मिट्टी के निर्माण में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ दो प्रकार की है। इसमें जो आपकी सबसे नवीन जो मृदा है वो आपकी जलोढ़ मृदा होती है, और आपका जो उत्तरी मैदान है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आपका पंजाब, हरियाणा और बिहार का कुछ हिस्सा, तो ये सभी आपका जो उत्तर का मैदान है इसमें आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जो आयु के आधार पर जो जलोढ़ मृदा का जो वर्गीकरण किया गया है वह आपका दो में किया गया है। पहली होती है पुरानी जलोढ़, जिसे हम बांगर मृदा के नाम से जानते हैं, इसमें जो कंकर की मात्रा होती है वह अधिक होती है। दूसरी होती है आपकी नवीन जलोढ़, जिसे हम खादर मृदा भी कहते हैं, और इसमें इसके जो कण होते हैं वो बहुत ही महीन होते हैं या बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। तो आपको यह ध्यान रखने वाली बात होगी कि जो पुरानी जलोढ़ होती है उसे हम कहते हैं बांगर मृदा, और जो नवीन जो जलोढ़ होती है उसे कहते हैं खादर मृदा। आपकी जो नवीन जलोढ़ पुरानी जलोढ़ मृदा से अधिक उर्वरक होती है, यानी जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है वह पुरानी जो जलोढ़ मृदा होती है उससे उर्वरक होती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है हमें कि कौन सी मृदा जो होती है, यानी इसमें आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नवीन जलोढ़ मृदा या पुरानी जलोढ़ मृदा कौन सी अधिक उर्वरक होती है। तो नवीन जो जलोढ़ मृदा होती है वह आपकी अधिक उर्वरक होती है। इसके बाद इस मिट्टी में चूना, पोटास और फास्फोरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ कम पाए जाते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और कौन से वे तत्व होते हैं जो कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस मिट्टी में चूना, पोटास और फास्फोरिक अम्ल जो होते हैं वो अधिक मात्रा में, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ जो होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार की मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि इसमें गेहूं, गन्ना, चावल, तिलहन, तंबाकू, जूट की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो यह था आपका जलोढ़ मृदा के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह मिट्टी आपकी किन किन नदियों की सहायता से बनती है, किस क्षेत्र में अधिक प्रकार से पाई जाती है, यह कितने प्रकार की होती है, और इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं कम और अधिक मात्रा में, और इसके बाद इस मिट्टी में आपकी कौन सी फसलें होती हैं जो बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। दूसरी मिट्टी की बात करेंगे, जिसे हम काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगर मृदा भी कहा जाता है। तो आपके सबसे पहला एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि रेगर मृदा किसे कहा जाता है, या फिर काली मिट्टी को किस दूसरे अन्य नाम से जाना जाता है। तो जो काली मिट्टी होती है उसे रेगर मृदा के नाम से भी जानते हैं। आगे है, इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें लोहा, फास्फोरस, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जीवांश के तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। तो आपकी जो काली मिट्टी होती है, सबसे पहले इस चीज को हमें ध्यान रखना है, यह रेगर मृदा भी कहते हैं इसको, और यह मिट्टी जो होती है यह आपकी नमी को धारण करने वाली, या इसमें जो नमी अधिक इसमें होती है। इसमें जो मुख्य तत्व पाए जाते हैं वो लोहा, फास्फोरस, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम होते हैं, और इसके साथ साथ यह जो मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और यह मृदा जो है आपकी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो आपको उन क्षेत्रों के नाम भी याद रखने जिन क्षेत्रों में यह मिट्टी अधिकतर पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका लाल और पीली मृदा। तो लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दक्षिणी पूर्व महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहा धातु के प्रसार के कारण होता है। इस मिट्टी में ज्वार बाजरा की खेती होती है। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीज है कि यह किस क्षेत्र में पाई जाती हैं और इन मिट्टी का रंग लाल एवं पीला क्यों होता है। तो इस मिट्टी का जो लाल रंग है वो आपका रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के में जो लोहा धातु, यानी जो लोहा अयस्क पाया जाता है, उसके कारण इनका जो रंग होता है वो लाल होता है। इस मिट्टी में आपकी ज्यादातर जो होती है वो ज्वार और बाजरा की खेती होती है। इसके बाद आता है फोर्थ जो आपकी मिट्टी है वो है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लैटर शब्द से बना है।
आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि लेटरेट जो शब्द है वह किस भाषा के शब्द से बना है, तो वह आपका ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। अब इसका अर्थ क्या होता है, जो लेटरेट जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है आपका ईंट। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों उड़ीसा पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी में पर्णपाती एवं सदाबहार वन मिलते हैं। कर्नाटक केरल तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु केरल और आंध्र प्रदेश की लाल लेटराइट मिट्टी में काजू की फसल के लिए यह उपयुक्त मानी जाती है। तो इसमें हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जो लेटराइट शब्द है वह किस भाषा के शब्द से बना हुआ है और वह शब्द क्या है, यानी ग्रीक भाषा के शब्द से बना है और वह शब्द है आपका लेटर और जिसका हिंदी अर्थ होता है आपका ईंट। यह आपके जो अधिकतर क्षेत्रों में पाई जाती है दक्षिणी राज्यों में महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में आपके पर्णपाती और सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके साथ साथ कर्नाटक और तमिलनाडु में इसमें मुख्यतः चाय और कॉफी उगाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो लाल लेटराइट जो मिट्टी होती है उसमें आपकी काजू की फसल के लिए यह उपयुक्त मिट्टी होती है। तो यह थी आपकी लेटराइट मिट्टी। इसके बाद पढ़ेंगे हम मरुस्थलीय मृदा। इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी होती है कि जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। इनमें नमी की मात्रा कम होती है। यानी जो मरुस्थलीय मृदा होती है आपकी, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो मरुस्थलीय मृदा है वो आपके मरुस्थल क्षेत्रों में पाई जाएगी। यानी यह आपका राजस्थान और राजस्थान के अलावा जो गुजरात का कच्छ इलाका है उसमें भी यह पाई जाती है। यह मिट्टी जो होती है वह रेतीली होती है और लवणीय होती है। और इसमें किसी किसी क्षेत्र में जो लवणीयता की जो मात्रा होती है वो इतनी होती है कि इसको इसका जल जो वाष्पीकृत करके इससे नमक भी बनाया जाता है और इसमें जो नमी की मात्रा होती है वह कम होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिक्स्थ है आपकी वन मृदा। वन मृदा, इस मृदा को पर्वतीय मृदा भी कहते हैं। यह आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा वन उपलब्ध हैं। यह मिट्टी ह्यूमस रहित होती है। इस मिट्टी में चाय की खेती, फलों की खेती एवं सूखे मेवों की खेती अच्छी होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो आपकी पर्वतीय मिट्टी वन मृदा होती है इसे हम पर्वतीय मृदा के नाम से भी जानते हैं और यह जो होती है अधिकतर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस मिट्टी में जो सबसे अधिक मात्रा में जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें चाय की खेती, सूखे मेवे की खेती अच्छी होती है। तो यह थी आपकी मिट्टी के बारे में। तो फ्रेंड्स यह था आपका चैप्टर जिसके अंतर्गत हमने, जो आपका पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, इसके अंतर्गत हमने मुख्य मुख्य बिंदु जो आपको आपकी परीक्षा के लिए उपयुक्त रहेंगे उनको हमने यहाँ पर देखा। अगर आपको कोई चीज ऐसी आपको लगी हो कि उसके बारे में आपको और जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको कोई अन्य प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप उसे भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और उन मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें जो आपके साथ साथ 2021 में होने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।